is garlic sauce. So, and Vincent, what did he say? Bismillah. MashaAllah, Bismillah. How would you, what are the best features about your car? That I'm driving in it. That's the best feature of the car. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं. हम हैं अभी नेदरलैंड्स में, नेदरलैंड्स के एक सुपर चार्जर जिसका नाम है दो दरख्त. पता नहीं दो दरख्त कहते हैं, कीड़ा दरख्त है. मौसम माशाल्लाह जो है वो बहुत खूबसूरत है आईफोन के कैमरे के अंदर. अभी मैंने चार्ज पे लगाई है गाड़ी, बेल्जियम से मैं निकला था, जा रहा हूँ नेदरलैंड्स एक भाई को मिलने. चार्ज हो रही है गाड़ी, हम जाएँ अंदर से अपने काम शाम करके आए, फिर आपको मिलते हैं. इस चीज़ का टॉयलेट में रखने का वैसे क्या फ़ायदा है? टॉयलेट से पप्पू शप्पू बन के हल्के शल्के हो के अभी जाते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ. कैमरे की किट बनाते हैं, आपको दिखाते हैं मेरी कैमरे की किट. कैमरे की किट चलती है, वो बन गई है. ये मेरा लेंस लगा है, साथ लेंस के ऊपर एक डिफ्यूजन फिल्टर है 1/4 का, साथ VND है और साथ ये माइक है. अब बेसिकली आपने बताना ही है कि अभी आप मेरी शक्ल देख रहे हैं आईफोन के कैमरे के साथ, जिस पे सब ऑटो पे है. माइक मैंने खैर लगाया है इधर वायरलेस, तो इसको चेंज करते हैं और आप मुझे बताना कि ये आपको ज़्यादा बेहतर पसंद है या. और ये है DSLR के साथ, तो आप मुझे बता देना आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है. हाय हाय हाय, हवा इतनी चल रही है. DSLR ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये आईफोन से. आईफोन से कन्वीनियंट भी है, ज़्यादा अल्ट्रा वाइड भी आता है, लेकिन मुझे मज़ा ज़्यादा आता है DSLR में यूज़ करने का. एक लुक आती है फिल्म वाली. आप बताएं आपको DSLR वाली ज़्यादा पसंद है वीडियो या आईफोन वाली, कमेंट सेक्शन में बताना. अभी जाते हैं जहां हम जाना चाह रहे हैं और आपको दिखाते हैं आगे हॉलैंड. सर हम आ गए हैं एसन भाई के पास हॉलैंड. वो मेरा पांडा खड़ा ब्रदर. हाय हाय, वेयर आर वी गोइंग ब्रदर? वी गोइंग टू स्केवेनिंगे. स्केवेनिंगे है बीच. Beach? It's the beach of the Netherlands. We're all the beach पे हैं. Yeah, beach. गाड़ी मैंने अपनी पार्क कर दी हमारे सामने. तो आज टेस्ला के बजाय हम ट्राई करेंगे BMW. तो BMW हमने कर ली है पार्क एंड वी आर इन Den Haag. एंड इन Den Haag वेयर आर वी अगेन गाइस? Scheveningen is one of the beaches of the Netherlands. Okay. And it's the biggest beach of the Netherlands because there are two beaches. Yeah. One is Kijkduin. It's around a couple of kilometers that way. And this is Scheveningen and it's the most touristical beach of the Netherlands. People from Germany come especially because they don't have a beach, but they not in this weather. Not in this weather. I can tell you from all the people that are walking here, they have no lives. 60% will be Germans. Really? And as you can see, oh my God, it's so windy. Very rough today because it's very windy. Yeah, only guys can hear me. It's only very good. Only the day we were going to make a vlog. Yeah. It's so bad. We have Vincent here. Hey, Vincent. Yeah. How you guys doing? Hey, man. It's gonna be English subtitle. English sub? No, it's all good. It's all good. Only 100 people are gonna watch this video. So it's fine. अभी यहाँ आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब थी विंड की वजह से, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही दे दूँ. अभी हम घूम रहे हैं Den Haag के अंदर. ये भाई बता रहे हैं इंग्लिश में सारा कि यहाँ किस तरह लोग फ्रेश समुंदर से मछली पकड़ते हैं और मछली का बाद में किपलिंग वगैरह बनाते हैं. जो भी हम खाएँगे थोड़ी देर में मुझे रेस्टोरेंट लेके जाएगा ये वाले, यहाँ से हम खाएँगे फ्रेश किपलिंग. मज़े का होता है, फ्रिज की छोटी बोटियाँ होती हैं बेसिकली, उसको फ्राई किया होता है. और भाई बता रहा है कि डच फूड होगा पूरा, क्योंकि डच सॉसेस, डच फ्राइज. और मैं बोल रहा हूँ a lot of Dutchness happening today. और हवा से अंदर आ गए हैं और यहाँ आके हम ऑर्डर करेंगे किबलिंग, जो अगेन फ्राइड फिश है. अंदर का माहौल काफ़ी कोजी सा है, फूल है, अच्छी टेबल कुर्सी और फैमिली वगैरह हम सारे इंजॉय कर रहे हैं. लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, अपने स्नैपचैट के ऊपर स्टोरियाज बना रहे हैं. चाहे छोटा सा ढाबा है लेकिन इस ढाबे के अंदर भी आपको टच स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर करने की फैसिलिटी है. और ये आ गया हमारा खाना. एक पीस नहीं है, छोटे छोटे पीस बनाया.
So you're gonna tell me afterwards what kind of sauce is this? Yeah, this is the hot sauce. It has a lot of kick in it afterwards. Oh my god, it's so good. Huh? That's the garlic one, eh? On the top part. This is. Oh my god. What? This is. Garlic wali bhai banger hai. Huh? Garlic wali, oh, oh, oh. Yeah? Good. Yeah, that's love. Do you feel the freshness of the fish? Yeah, absolutely. So yeah, you were saying about the freshness of the fish? This fish is probably caught 7-8 hours ago. जी सही सुना आपने, ये फिश सिर्फ और सिर्फ इस शक्ल के साथ 7 घंटे पहले ही पकड़ी गई थी और बिल्कुल फ्रेश है। There, around 10 kilometers from that away, so fresher than this you can't have it. Can't get more fresher than just from the beach. And you taste it. And if you look, if you hear, I don't know if you can hear it. It's so crunchy. Oh yeah, I could hear it. I don't care about the camera. I can hear it. So. Beach on its own. So it's again what, Kibling? Kibling, yeah. It's K-I-B-L-I-N-G. Yeah. Not Kipling like the brand. No, Kibling. Not at all. My god. I can't make up my mind that this sauce is better or that sauce. क्योंकि एज यूजुअल मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी और मैंने फिर भी खाने को ना नहीं की। एहसन भाई का किया शुक्रिया और हमने सोचा कि विंसेंट भाई के साथ चलें थोड़ा सा वॉक करने। अपनी बाइक्स को देखा यहाँ कि कौन कौन सी बाइक्स हैं। 3,000-3,000 यूरो की बाइक खड़ी हुई इधर। विंसेंट भाई को अपनी बाइक मिल गई थी, दिखाता हूँ मैं आपको। That's your car? Yeah, yeah, yeah. 40 horsepower. Nice. Go first. Winston, you want to sit on it for me? Yeah, sure. Ah, fine. It's fine. I don't know if I know it's fine. I just want to see how it looks like. Maybe a glimpse of the future. Look at those rims. Beautiful. Oh my god. What, 12 inch? 12 inch. Ab chalein thoda sa beach ki taraf. बीच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बकवास था बीच। मुझे यकीन करें कराची का बीच याद आ गया था। जब एक दफ़ा मैं क्लिफ्टन गया था तो यकीन करें यूरोप के अंदर भी बुरे बीचेस होते हैं। देन हाग का खैर ये वाला पार्ट स्केविनिंगन के अंदर मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि पत्थर काफ़ी होते हैं। हमें आदत है तुर्की के बीच की। हमने स्पोर्ट्स देखी इन सारे लोगों की जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, दो वजहों से। एक तो हमने खाना बहुत खाया होता है हमेशा, और दूसरा इतने फिट भी नहीं है। लेकिन आपको दिखाने के लिए ये है विंड सर्फिंग, जो बहुत मशहूर स्पोर्ट्स है इस एरिया के अंदर। बच्चों के साथ हमने किया थोड़ा सा शुगल और आगे वापस। इन परिंदों को परवाज करते हुए देख के मेरा भी दिल किया अपने ड्रोन को उड़ाऊं। तो और क्या था, ड्रोन खोला अपना और थोड़ी सी हिम्मत कर हवा में फेंक दिया। अब लें स्केविंगन डेनहाग के इस मशहूर बीच के हवा से मजे। We are inside Mr. Essen's BMW i4. Yeah. i4 with the M kit. जिसमें हम फिट नहीं आ रहे। M kit in which we cannot fit. So, what's the use? No, it's a beautiful car. Love the color. A little claustrophobic or cramped inside. But then again, I'm a BMW lover like my brother. So, these are the things we take for granted or will very happily accept. Yes. Or we could lose some weight. Or we could lose some weight. That's also a possibility. If we stop eating Kipling, maybe we can lose some weight. So this was important. That was important.
and making sure that my seats were good for me. I wanted to have four seats. All the other things are for me. Oh, yeah, it's basic. So you want sport seats? Yeah, because I'm not the thinnest. Yeah. So I want to sit very tight in my chair. Yeah, you just khate pite karar karoge, you know. We eat good. Yeah, and we're in the streets of what? Den Haag. Den Haag. Yes. But basically, it's basic car. It's no special things. In yeah, it says the guy who's sitting in a BMW i4 basic car. Yeah. But yeah, it's smaller than my model. Yeah, it's much smaller. Ramped. But yeah, again, this is more comparable to the Model 3 performance. Yeah. Oh, yeah. And he doesn't like the color. Let me show you the color. It's green outside. I love the color. But this guy, he's like, no, I needed the duotone. What was the name of the color? Transit Blue. Transit Blue was the color I was hoping. Yeah, which becomes blue and purple. Oh, God. तो भाई के साथ वापस ड्राइव करके हम आ गए हैं बोस्कोप, जहाँ ये हमारी फैमिली फ्रेंड्स, डेफिनेटली मोर लाइक फैमिली रहते हैं. ये है बोस्कोप का एक नज़ारा. ऑब्वियसली ये ड्रोन्स वगैरह हर चीज़ को बहुत खूबसूरत बना देते हैं और हमें वो नज़ारे दिखाते हैं जो आज तक हमने कभी ना देखते हैं होते हैं ना सोचे होते हैं. तो इट वॉज़ रियली सनी, इट वॉज़ अमेजिंग व्यू फ्रॉम आउटसाइड. और शायद इन लोगों ने भी नहीं शायद इतना कभी गौर किया हो कि बोस्कोप इतना खूबसूरत है. तो दिस इज़ अ ट्रीट फॉर यू गाइस एज वेल व्हेन यू आर वाचिंग दिस. इट वाज रियली रियली नाइस टू सी दिस ड्रोन फुटेज. सो आई एम गोना स्टॉप टॉकिंग एंड आई विल लेट यू एंजॉय द व्यू. तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग. इट वॉज़ लवली मीटिंग यू गाइज. अगले व्लॉग में मिलेंगे. अपना ख्याल रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.